विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि देश में सत्ता का फाइनल 2024 में होगा, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका नतीजा आएगा 3 दिसंबर को। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि राज्य की 230 सीटों पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि माओवादी प्रभावित इलाकों डिंडोरी, बालाघाट और मंडला जिले के मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक ही चलेगी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिनमें 2280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक अन्य यानी कि थर्ड जेंडर उम्मीदवार है। राजनीति के दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर पसीना बहाया है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के आला नेताओं ने 634 से ज्यादा सभाओं के जरिए चुनाव प्रचार किया है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने 350 से ज्यादा प्रचार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1.5 महीने में पूरे प्रदेश को नाप लिया। दोनों ने ही सभा और रोड शो में शतक जड़े हैं। बीजेपी के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े चेहरों ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं कांग्रेस के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं ने धुआंधार बैटिंग की है। वहीं मुद्दों की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में सनातन से लेकर राम मंदिर और भ्रष्टाचार के मुद्दे छाए रहे। बीजेपी ने जहां अपनी 18 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर मध्य प्रदेश को गांधी परिवार के लिए ATM बना देने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा कांग्रेस का फोकस जातिगत जनगणना के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी नजर आया, लेकिन कौन सी पार्टी जनता को कितना लुभा पाई है, उसका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और नतीजा आएगा 3 दिसंबर को। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।